हाय गाइस, मैं हूं असाब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल असाब स्वीट हॉल पे। गाइस, अभी रात का 10 बज रहा है और मैं फिलहाल बहुत खुश हूं। मैं काम से अभी आया और आने के बाद एक ब्लॉग शूट कर रहा हूं, क्योंकि गाइस मेरा पूरा एक साल का सपना आज जाके पूरा हुआ। तो आप लोग शॉक मत होना, क्योंकि एक साल का सपना बहुत छोटा सा सपना था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो ये एक ब्लॉग वीडियो है जो रिव्यू ब्लॉग होगा। एक्चुअली मैंने कुछ ख़रीदा, वो आप लोग देख सकते हैं, इधर से कुछ ख़रीदा मैंने फ्लिपकार्ट से, तो इसी का रिव्यू ब्लॉग दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आज जब मैं कंपनी में था तभी ये माइक आया, तो मैंने ये ख़रीदा। ख़रीदने के बाद भैया ने खोल के देख रखा, मैंने नहीं देखा, तो आप लोग के साथ ही मैं इसके खोल के ओपन करूँगा और देखूँगा इसका कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और माय गॉड, मेरा माइक आ गया गाइस। तो बहुत दिनों से इसके लिए तड़प रहा था गाइस, और वो आज आ गया, कोया BY MM1। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा साइज है इसका, करीबन इतना बड़ा है। और इधर आपका इनबुज दिया हुआ है, तो ठीक है, मैं मोबाइल का लाइट जला देता हूँ। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं देखता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसे फिटिंग करना पड़ता है। इधर आपका कुछ दिया हुआ है, इधर आपका वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ये सब चलिए तो देखता हूँ। गाइस, अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ इसे, तो इधर से खोलना पड़ेगा शायद। और ये बालों का आप देख सकते हैं कितना सारा बाल रखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है कैसे यूज करना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये सब रख देता हूँ। और ये इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है, शायद वारंटी कार्ड है ये, बोया माइक इंफॉर्मेशन वगैरह वारंटी कार्ड है ये वाला, ये वारंटी दिया हुआ है। अरे मैं तो उल्टा रख दिया इसे। इस साइड में है गाइस ये वाला, देख सकते हैं। और ये मोबाइल में लगाने के लिए और कैमरा के साथ अटैच करने के लिए, ये दो दो दिया हुआ है, एक कैमरा के साथ अटैच करने के लिए और माइक में लगाने के लिए, और एक मोबाइल और माइक में लगाने के लिए दिया हुआ है। ये मिलता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये ओरिजिनल में ही मिलता है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आपका डुप्लीकेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये कुछ, ये बैग दिया हुआ है, तो अच्छा लगा ये वाला बैग देख के। और फाइनली गाइस, ये है हमारा माइक। और गाइस, इस माइक में इधर भी लिखा हुआ है बोया, आप लोग देख सकते हैं। और इसको हम इसे ओपन करते, इसे ओपन करते हैं ना, हाँ इधर दिया हुआ है। गाइस ओपन कर लो, पता नहीं गाइस इसमें कुछ है या नहीं है। ओपन हो गए, ये माइक है, मैंने जितना बड़ा मतलब जितना छोटा समझा था, इससे बहुत बड़ा है ये वाला माइक। और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। अभी इसका साउंड क्वालिटी कैसा होता है और कितना आपका नॉइस कैंसिलेशन देता है वो देखूंगा अभी, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने माइक देख लिया, पूरा माइक मैंने वो आप लोग को दिखा दिया अंदर क्या क्या मिलता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी है बोया माइक में अंदर क्या रहता है, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी कैसा है मैं अभी देखूंगा, तो मेरा मोबाइल के साथ अटैच करके देखूंगा। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं मेरा मोबाइल का साउंड है, और जितने भी मेरा ब्लॉग आया था सब मेरे मोबाइल के माइक का है। तो अभी इस माइक से आएगा अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो अभी ये मैं अटैच करता हूँ और मेरा वीडियो जो है मैं दूसरे मोबाइल से शूट करता हूँ, तो आप लोग को दिखाई देगा
और शूट करने के बाद मतलब मैं आपको पूरा एक्चुअल क्वालिटी दिखाता हूँ। तो चलिए। हेलो हेलो, माई नेम इज़ असाब उद्दीन अहमद। हेलो हेलो हेलो, माई नेम इज़ असाब उद्दीन अहमद। हाय हाय, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। इसका माइक टेस्टिंग कर रहा हूँ। हेलो हेलो, 1 2 3 4, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 माइक। फिलहाल मुझे नहीं आता वो कैसे वेटिंग करना पड़ता है, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है तो मैं देखता वो अभी दूसरा कुछ देख के कैसे यूज़ करना पड़ता है। इस इधर देखता हूँ मेन्यू में 7 6। अच्छा, एक इसमें इधर कुछ और एक हैश है। TFN 5mm tiers connect for the smartphone tablet। हाँ तो सही, मैंने इसी को लगाया था स्मार्टफोन के लिए। क्या दिया, यूजिंग माइक्रोफोन प्लग 3.5mm TS कनेक्टर इन टू द ऑडियो जेक टू योर स्मार्टफोन टेबलेट। ओपन द ऑडियो ओनली और वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप एंड बिगिन रिकॉर्डिंग। ऑडियो ओनली, ओपन द ऑडियो ओनली और वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप एंड बिगिन रिकॉर्डिंग। कैमरा रिकॉर्ड्स ऑडियो रिकॉर्ड एंड अदर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। कैन नॉट मेक श्योर दैट यूजिंग द करेक्ट ऑडियो कनेक्टर। इसमें 3.5mm फ्लेक्सिबल ब्लॉक फॉर द ऑडियो, 5mm स्ट्रीम के ओपन ब्लॉक। फिर से देखता हूँ गाइस, इसको इधर लगाता हूँ मैं, ये लगा दिया पूरा लग गया। तो अभी इसको लगा के मैं फिर से आप लोग को मेरा आवाज़ सुनाता हूँ। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो डायरेक्ट माइक से, अभी इस माइक से आवाज़ सुनाऊंगा। तो गाइज अभी इस माइक का आवाज़ आ रही है, तो मुझे पता नहीं कितना वर्क कर रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं ये आवाज़ सुनने के बाद आप लोग को बताऊंगा ये वर्क कर रहे या फिर नहीं कर रहे या फिर क्या हो रहा है मसला। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ शेख असदुद्दीन अहमद। तो गाइज अभी जो सुन रहे हैं आप आवाज़, ये बोया MM1 माइक का है, तो इसका टेस्टिंग के लिए कर रहा, तो देखते ही इसका आवाज़ कैसा आता है। तो गाइज मैं हूँ असद और आप लोग देख रहे मेरा ब्लॉग असब स्वीट। गाइस बहुत देर तक कोशिश की, एक दो नहीं दो स्मार्टफोन में लगा के मैंने कोशिश की, लेकिन शायद ये माइक ही ख़राब आया है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसा आपका मोबाइल का रिकॉर्डिंग का आवाज़ है सेम ही ऐसे ही हो रहा है। तो गाइस अभी मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ और फिर से मंगाऊँगा, मंगाने के बाद देखता हूँ दूसरा क्या आते है। तो ये ख़राब आ गया या फिर शायद ये केबल भी ख़राब हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो इसको रिटर्न कर देते, तो बहुत ही ख़राब लग रहा है गाइस। इतने दिनों के बाद जब खुशी का एक चिंगारी जला था वो भी बुझ गया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, दुख भरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे जो फिर से बयान माइक आएगा उसका फिर से रिव्यू करूँगा, वो देखने के लिए बेल आइकन दबा के रखना। बाय बाय। तो गाइज अभी जो आप लोग माइक का आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया MM1 माइक जो नया ख़रीदा। तो इसका आवाज़ टेस्टिंग के लिए थर्ड टाइम कर रहा हूँ।